अरे ये तो वही पागल लखा है। लखा सुनो, उस पेड़ को छूना भी नहीं, मेरी बात मान लो। भागो यहाँ से। कोई आखिरी शब्द है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो गन फेंक कर भाग जाता। मोटे गंदे भालू, पागल कहीं के, न जाने इनसे कब छुटकारा मिलेगा। अब तो मैं अपना चेंसो, राइफल और प्यारी हेड खो चुका हूँ। काश मैं खुद ही लोहे जितना मजबूत होता तो मुझे किसी चीज का डर नहीं होता। ओह, वैसे ये आइडिया भी बिल्कुल बुरा नहीं है। चलो तो फिर ठीक है, अब मैं एक लोहे का सुरक्षा कवच लाऊंगा। ओ वाह वाह, मैं कितना होशियार हूँ। हेलो, मुझे एक लोहे का सुरक्षा कवच चाहिए। एक्सप्रेस डिलीवरी प्लीज, जल्दी भेजिए। चलो इसकी जांच की जाए। ये तो उन भालुओं से बचने के लिए ही बना है। भालुओं, मेरा नया कवच देखने के लिए तैयार हो जाओ, आ जाओ। मैं तुम्हें आसमान में बहुत ऊपर उछाल सकता हूँ, ट्राई करना चाहोगे? ठीक है, पर वादा करो कि तुम मुझे गिराओगे नहीं, ठीक है? सॉरी चिंटू, पर सुनो, लाखा ने फिर से पेड़ काटना शुरू कर दिया है। चलो, मुझे लगता है वो यही कहीं है। रुक जाओ, एए, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुम्हारा पुराना दोस्त लाखा हूँ अंधे भालू। क्या कहा तुमने? ओ, ये कवच तो बहुत लाजवाब है। नहीं, हमारे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं है। लखा मैं आ रहा हूँ। अब वक्त है मेरे कवच के कर्तव्य दिखाने का। ये लो। अब आएगा मजा लाखा। ओ मेरा हाथ, अरे बहुत दर्द हो रहा है। इतनी ताकत है तुम में? तुम्हारे छोटे छोटे भालू के पंजे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब ये देखो। आज के बाद मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसे मेरे कवच का कमाल देखना है वो आकर मुझसे मिले। तुम बहुत बुरे हो लाखा। चलो डब्लू। भागो। भागोगे? बिल्कुल नहीं। है, अब तुम लोग महान योद्धा लाखा का पराक्रम देखोगे। बहुत जल्द इस पूरे जंगल में लाखा का राज होगा।
क्या उसने कवच पहना था? हाँ, और वो बहुत ही मजबूत है। मेरा हाथ देखो, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, हाँ, और इतना ही नहीं, उसने एक बड़े से पेड़ को बस एक झटके में ही गिरा दिया। बस एक ही झटके में? और जानते हो, उसने कहा कि अब पूरा जंगल उसका है। क्या? हाँ, अब बहुत हुई उसकी बकवास। ओ ए पेड़, बहुत बड़ा पेड़, उस पेड़ को मैं काटूंगा, फिर उसको बेच के ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, पूरा जंगल काट डालूंगा, लाखा को कोई नहीं रोक पाएगा, इस पूरे जंगल में लाखा का राज होगा। कहाँ गए वो दोनों मोटे गंदे भालू? मैं हूँ द ग्रेट लाखा। मैं अपना ये कवच अपने दोस्तों को जल्द से जल्द दिखाना चाहता हूँ। अरे देखो, ये तो बहुत ही बुरा है। ए भाई देखो, देखो लखा ने क्या पहना है। हाँ? क्या ये कवच इतना मजबूत है? चलो देखते हैं। ये क्या था? क्या आप समझ गए कि मैं क्या कह रहा था? समझ गए? लखा को कुछ भी नहीं हुआ, वो कवच बहुत मजबूत है। तुम दोनों यही रुको। हा? मैं उससे निपटता हूँ। वो लखे की कुल्हाड़ी है, शायद मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। हे, हिलना मत लखे। ओ, तो अब बड़ा भाई आ गया। अकेले क्यों आए हो? वो तुम्हारा डरपोक भालू भाई कहाँ है? क्या तुमने मुझे डरपोक कहा? ए, ए, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। क्या कर रहे हो तुम? ये लो। अच्छी बात है, अब मैं तुम दोनों को मजा चखाऊंगा। लखा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरा पैर, मेरा पैर, बहुत दर्द कर रहा है। ये सब गलत हो रहा है, तुम्हें कुछ न कुछ करना होगा। ए, आइडिया आया। बहुत बढ़िया आइडिया, मैं आगे बढ़ता हूँ। तुम यही रुको। तुम बहुत थके हुए नजर आ रहे हो, थोड़ी देर रुक क्यों नहीं जाते? क्योंकि अब मेरी बारी है बच्चे। नहीं नहीं भाई, नहीं। यहाँ आओ गंदे मोटे भालू, तुम्हें मजा चखाना अभी बाकी है। नहीं, आखिर हाथ में आ ही गए तुम। डब्लू, ये देखो मेरे पास क्या है। अच्छी बात है, मैं तुम्हारे साथ हूँ छोटे भाई। लखे, आओ फिर, आ जाओ, अब वक्त है तुम सबको एक साथ खत्म करने का। चिंटू, तुम्हारी बारी। हटो मुझ पर से। क्या किया तुमने? ओ, खुजली हो रही है। इसे निकालो मुझ पर से। अरे निकालो। ओ, आखिर क्या करना चाहते हो? अरे मेरा मजबूत कवच, अरे बाहर निकालो। अरे बहुत अच्छे कीड़ा। अरे ये तुमने सही नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अब क्या हुआ लखे? एक कीड़े ने मजा चखा दिया ना तुम्हें। मेरा कवच, मैं तुम लोगों को। तुम थोड़ी देर रुक क्यों नहीं जाते लखा? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अरे छोड़ दो मुझे। अब बिना कवच के कैसा महान योद्धा।